गुड आफ्टरनून, मैं देवेंद्र शर्मा आज आपके साथ फिर से मौजूद हूँ वेबिनार के लिए जो हम पेट फिल्म के ऊपर करने वाले हैं। डीटीएफ अभी तो नाम थोड़ा सा प्रोफेशनल सा हो गया है, अभी इसको डीटीएफ बोला जा रहा है, डायरेक्ट टू फिल्म। और अभी हमारे साथ करीब करीब 12 लोग अभी जुड़े हैं, थोड़ा समय लगेगा। तो तब तक हम लोग थोड़ा सा आज हम क्या करने वाले हैं, किसके ऊपर डिस्कशन है, क्या चीज नई हमारे पास आई है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टिल टाइम आप मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड करिए कि मेरा विजुअल एंड जो वीडियो है या ऑडियो है वो परफेक्ट है। प्लीज से यस इन द चैट रूम। गुड आफ्टरनून मिस्टर इमरान, प्लीज अपना नाम और अपना सिटी दोनों वहां पे मेंशन कर दीजिए। एंड हेलो, ग्रेट। एक्चुअली संडेज को हम लोग अपना वेबिनार रखते हैं, ज्यादातर लोग मुझे लगता है कि एक्टिव नहीं होते, हालांकि एक बज चुका है, लोगों को अभी तक तो जाग जाना चाहिए। और डीटीएफ एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जहां तक हमें लगता है, सबसे पहले मेरा ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है, प्लीज से यस, प्लीज से यस। क्या आप मेरा ऑडियो एंड वीडियो देख पा रहे हैं? प्लीज टाइप यस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हमारे साथ लोग अभी जुड़ते जाएंगे, इंडिया में थोड़ा टाइम कॉन्शियस लोग थोड़े से कम होते हैं कई बार 10-15 मिनट लेट आने की ही शेड्यूल में रखा होता है उन्होंने। वेल, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डीटीएफ प्रिंटर के बारे में है, और स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप्स की इंक्स के बारे में जो अभी तक सिर्फ हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई और इसको नहीं बेच रहा है, हमने इसको आरएनडी के लिए स्पेशली बनवाया। ये फ्लोरोसेंट इंक में पेट फिल्म डीटीएफ की इंक नहीं आती है, तो हमारी रिक्वेस्ट पे उन लोगों ने हमको 10 लीटर इंक बना के भेजी। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने 4 कलर क्यों बनाए, बिकॉज वी हैव फ्लोरोसेंट येलो, फ्लोरोसेंट ऑरेंज, फ्लोरोसेंट पिंक एंड फ्लोरोसेंट ग्रीन। ये ग्रीन फ्लोरोसेंट मुझे किसी तरफ से लग नहीं रही, बट हम लोग अभी सिर्फ फ्लोरोसेंट येलो एंड मेजेंटा दो यूज कर रहे हैं। और ये फ्लोरोसेंट डीटीएफ के ऊपर जो रिजल्ट दे रही है वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। तो मैं जो जो भी लोग मेरे पास आए, जिन लोगों ने भी डेमो देखा, उनको ये बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इसका एक सैंपल दिखा रहा हूं, ये हमने ये देखिए, मैं दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूं आपको। ये ऑर्डिनरी है, ये नॉर्मल है, और ये फ्लोरोसेंट है। अब एक्चुअली शायद कैप्चर कैमरा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, बट आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, जो ये वाला है ये नॉर्मल है, और जो ये वाला है ये फ्लोरोसेंट इंक के साथ है। आई थिंक क्लैरिटी से आपको देख पाएंगे ये। तो फ्लोरोसेंट में वैसे भी लिमिटेड बिजनेस रहता है, बट इसकी जो कॉस्टिंग, जॉवर की जो कॉस्टिंग है, ये आपको काफी अच्छा पे आउट देती है। एंड कुल मिला के आप माने तो जो क्वालिटी डीटीएफ की है वो डीटीजी से तो बेटर आती ही है, क्योंकि ये किसी भी फैब्रिक के ऊपर, किसी भी लेदराइट के ऊपर, जूट के ऊपर हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं। और डीटीजी में क्या है कि मान लीजिए हम जूट प्रिंट करते हैं तो उसमें लंबे लंबे रेशे रहते हैं, वो हेड के साथ स्ट्राइक करते हैं, हेड को डैमेज करते हैं, उसकी ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। तो ये डीटीएफ में क्या है कि हमने फिल्म पे प्रिंट कर लिया जो कि बहुत साफ सुथरी है, तो हेड के लिए कोई परेशानी है नहीं, तो हेड की लाइफ बढ़ जाती है। और चूंकि ये ट्रांसफर बना तो हमें रियल टाइम में वो मीडिया भी नहीं चाहिए कि इंस्टेंटली हमें गारमेंट को उसी समय प्रिंट करना है। आप चाहो तो उसका ट्रांसफर बना के आप रख सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक नेक लेबल प्रिंट किया है, ये
शीट पे आप देख पा रहे होंगे। ये लेबल्स जो हैं ये नेक लेबल्स हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, आप शायद फोकस कैमरा पता नहीं कर पा रहा है कि नहीं, बट ये काफी अच्छी क्वालिटी का नेक लेबल जो है ये बन सकता है। इवन आप 6 पॉइंट टेक्स्ट भी इस पे प्रिंट कर सकते हैं जो कि नेक लेबल के लिए जरूरी है। दूसरा डीडीएफ में हमारे पास जो रेंज है, डीडीएफ मीन्स डायरेक्ट टू फिल्म, डीटीएफ के लिए अभी हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो एप्सन L1800 को मॉडिफाई करके डीटीएफ बनाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग रेडीमेड प्रोडक्ट भी देते हैं। अगर आपके पास मशीन पुरानी है तो आप जस्ट ये देखिए कि उसमें प्रिंट हेड काम अच्छे से कर रहा हो और उसका जो पंप है वो भी हेल्दी होना चाहिए। अगर ये दो दो चीजें ओके हैं तो किसी भी प्रिंटर को डीटीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड अभी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कम होनी शुरू हो गई, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 55 से 60 रुपए के आसपास प्रिंट करके शीट मिल जाएगी, 12 इंचेस बाय 18 इंचेस की। दैट मींस समवेयर अराउंड 9 बाय 12 का शीट जो है, 9 बाय 12 इंच का जो प्रिंट है, ये आपको करीब 30 रुपए के आसपास कॉस्ट करेगा ट्रांसफर बनाने के साथ। अब उसमें जो फ्यूज करना है उसका तो कोई खास होता नहीं है, आपको पता है जो खर्च है वो तो ट्रांसफर हीट ट्रांसफर से ही हो जाएगा। मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ सैंपल्स मैंने रखे हैं आपके लिए। ये फ्लोरोसेंट से हमने एक गारमेंट प्रिंट किया है, ये टी शर्ट है, इट्स प्रिंटेड विद फ्लोरोसेंट इंक्स, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। अब ये कैमरा एक्चुअली फ्लोरोसेंट कलर को कैप्चर नहीं कर सकता है, बट फिर भी आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो फ्लोरोसेंट में जो है वो कंट्रास्ट ज्यादा रहता है, स्पोर्टी कलर्स लुक ज्यादा देते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा ये जैसे मार्कर है तो इसमें फ्लोरोसेंट इंक यूज की जाती है। ये काफी ब्लैक लाइट में तो खैर ग्लोई करती है। एंड रेस्ट ऑफ द आप मान के चलिए कि रेगुलर जो हम डीटीएफ बना रहे हैं उसमें भी एप्सन L1800 नॉर्मल है, या उसमें एक और मॉडल हमने बनाया था वो फ्लैट बेड है। होता क्या है जब हम शीट को प्रिंट करते हैं, मान लीजिए ये शीट है, इसको हम प्रिंट करेंगे तो उसमें जो फ्रंट के जो पिंच रोलर्स हैं वो निकालना पड़ता है, अदरवाइज वो लाइन उसकी आती है गीला इंक के ऊपर। वेट ऑन वेट प्रिंटिंग है, गीले के ऊपर गीला प्रिंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो गीला ही बाहर आएगा, तो पिंच रोलर अगर हम नहीं निकालते हैं तो लाइन यहाँ पे पूरी दे देगा। तो अब निकाल देते हैं तो आगे पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए उसके पास कुछ सुविधा नहीं है, तो इतनी शीट जो है वो हमें वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो ये वाला हिस्सा खराब ना हो, अदरवाइज वो वहीं पे ही रुक जाएगा, पीछे वाले रोलर उसको छोड़ देंगे, आगे वो प्रिंट कर नहीं पाएगा तो आपका वो शीट का हिस्सा खराब होगा। तो 18 इंच में से आप 16 इंच 16.5 इंच तक आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो फ्लैट बेड प्रिंटर है उसमें आप एज टू एज प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेड तो पूरा ही मूव करेगा और पूरा बेड आगे या पीछे मूव करेगा तो वो एज टू एज प्रिंट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप हम देखें तो डीटीएफ आने वाला समय है, ये प्रिंट एंड कट को तो ऑलमोस्ट फिनिश कर देगा। प्रिंट कट में आपको पता है कि हम लोग ग्लू वाइनल यूज करते हैं, प्रिंटेबल, उस पे इको सॉल्वेंट से प्रिंट होता है, फिर कटिंग प्लॉटर से वो उसको प्रिंट करता है, फिर आपको वो वीड करना पड़ता है, उसको छीलना पड़ता है, उसके बाद वो काफी लंबा प्रोसेस है, फिर उसके बाद मास्किंग करना पड़ेगा, मास्किंग करने के बाद वो लिफ्ट होके आपका स्टिकर तैयार होगा। डीटीएफ में डायरेक्ट आप प्रिंट करिए, पाउडर अप्लाई करिए, उसको ओवन में रखिए 30 सेकंड के लिए, आपका डीटीएफ ट्रांसफर तैयार हो जाएगा। इट्स वेरी इजी टू यूज। हमने प्रीवियस वेबिनार्स में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी हैंडल करने आसान है। मात्र 70 से 80 हजार रुपये में आपका एक मशीन L1800, जो कि अभी थोड़ा सा शॉर्ट सप्लाई है तो थोड़ा महंगा मिलता है, उसको कन्वर्ट करने का एक्सपेंस जो है, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो इंक्स है, शीट्स हैं, ये सभी कुछ मिला के करीब 70 से 80 हजार के आसपास आपका यूनिट लग जाएगा। तो इससे आप गारमेंट प्रिंट कर सकते हैं, लेदराइट प्रिंट कर सकते हैं। जहां तक सवाल है फ्लैट बेड मशीन का, तो वो थोड़ा सा जो यूजर फ्रेंडली ज्यादा है, उसमें पिकअप की कोई इशू नहीं है, शीट वेस्ट नहीं होती है, बट उसकी कॉस्ट कम से कम 30 हजार
35,000 पे ज्यादा पड़ेगी स्टैंडर्ड L1800 DTF प्रिंटर से। तो अभी तक हमने लगभग 80 to 85 मशीन्स बेची हैं L1800 स्टैंडर्ड, और फ्लैट बेड करीब 12 के आसपास हम लोग अभी बेच चुके हैं। जो प्रोडक्शन प्रिंटर है हमारे पास 24 इंच का, आपने देखा होगा, मैंने पहले सबसे पहले वेबिनार उसी के साथ ही किए थे, तो वो हम लोग अभी तक 37 मशीन्स ऑल ओवर इंडिया बेच चुके हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली और गुजरात और पंजाब में हमारी मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं। तो अभी तक हमें तो ऐसी कुछ वाइट इंक के साथ ट्रबल नहीं आई। अभी तक हमने वाइट हेड को चोकिंग की वजह से नहीं बदला है, और कलर तो वैसे भी स्मूथ ही चलती है, ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। सबसे बड़े जो हमें इशू देखने को मिले वो मीडिया के साथ ज्यादा मिले हैं। DTF की जो फिल्म है उसकी क्वालिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न हैं। अगर आपको कोई सप्लायर ऑफर कर रहा है 7 से 8 हजार के बीच में रोल, तो थोड़ा सा केयरफुली उसको आप परचेज करिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो लॉट स्टॉक लॉट का मटेरियल शायद आपको दे रहे होंगे। उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे आप प्रिंट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे, आपको कंट्रास्ट कलर जो है वो डल दिखेंगे। दैट इज ड्यू टू द कोटिंग एक्चुअली, वो जो उसके ऊपर रहती है DTF के ऊपर। अब इसका मेन रीजन ये है, अगर कोटिंग अच्छी नहीं होगी, कम नहीं होगी, कम होगी इनफैक्ट, अगर कोटिंग कम होगी तो जैसे कलरिंग प्रिंट होगी वो प्रॉपरली सूख नहीं पाती है, वो गीली रह जाएगी। तो इमिडिएटली उसके ऊपर व्हाइट जब प्रिंट हो जाएगा तो कलर के ऊपर जैसे व्हाइट प्रिंट होगा तो काफी हद तक 40 से 50% कलर इंक व्हाइट के साथ ही मिक्स हो जाएगी इंटरनली, जो आप एक्चुअली उस समय आप देख नहीं पाओगे। और जैसे आप उस पर पाउडर अप्लाई करके ओवन कर देते हो तो वो आपका स्टिकर तो तैयार हो जाएगा, जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपको कलर डल इसलिए दिखता है क्योंकि वो जो 40 to 50% कलर का जो वाइब्रेंसी थी वो व्हाइट के अंदर ही समर्ज हो चुकी है, जो अपना रिजल्ट नहीं दिखा पाती। तो ओवरऑल हमें प्रिंट बहुत बेकार सा दिखता है, तो ये एक रीजन है हल्की फिल्म का। तो अभी जो हम लोग रोल सेल कर रहे हैं करीब करीब 9 से 9,500 के बीच में है, वो ए ग्रेड का है और उसपे ट्रांसफर क्वालिटी इज ऑसम। उसके मैं हमें गारंटी दे सकता हूँ कि उसपे आपका जो पील है वो भी सॉफ्ट रहेगी। हार्ड पील भी आते हैं, हार्ड पील मीन्स आप जब उसको पील करेंगे तो वो बारीक लेटर्स को साथ में उखाड़ के ले जाएगा। तो ये ज्यादातर मीडियाज के साथ इश्यूज हैं, हम इसको डेली रिफाइन कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और जैसे जैसे और ज्यादा रिफाइन होगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे। सेकेंडली अभी जो कॉस्टिंग है वो कितना DTF का हो गया, अभी मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, मैं आपको अभी एक लिंक यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। प्लीज अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मोबाइल पे भी हैं तो आप ये जो मैंने नीचे लिंक दिया है इस लिंक पे क्लिक करके आपका जो क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे भी आंसर आपके लिए करूंगा वो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्लोरोसेंट सीम्स टू बी मोर क्लियर, यस। या इंद्र कुमार कह रहे हैं कि फ्लोरोसेंट सीम्स टू बी मोर क्लियर, क्लियर मीन्स इसकी जो कलर वाइब्रेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, उस पर मैं अभी बात दोबारा करूंगा। टिल टाइम आप जो मैंने आपको लिंक दिया है ये गूगल फॉर्म्स का है, आप इस पे अपना जो भी क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं, वो रियल टाइम में मेरे पास आएगा और मैं उसको इमीडिएटली रिप्लाई भी कर दूंगा रियल टाइम में। आज का वेबिनार बहुत लंबा नहीं है, हम इसको 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में ही रखेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स छोड़ दूंगा, उसके बाद आप चाहें अगर आप यहाँ सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप वो सवाल मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी आपको कुछ प्राइसिंग के बारे में पूछना है या कुछ भी और डिस्कशंस हैं तो मैं सेपरेट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस पे आप ले सकते हैं। अब हम लोग आज ये जो वेबिनार कर रहे हैं इसके दो तीन मेन फोकस थे, एक तो था नियोन इंक के साथ। तो नियोन इंक अभी प्राइस इसकी ज्यादा है क्योंकि ये भी मैन्युफैक्चरिंग इसका बल्क में होना नहीं शुरू हुआ है, अभी इसका प्राइस लगभग 800 साढ़े 800 रुपये पर 100 ml है। बट इस महीने के एंड तक इसका प्राइस मैं 600 साढ़े 600 तक लेके आ जाऊंगा, जो कि एक अच्छा प्राइस होगा DTF के लिए। DTF में कलर इंक जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लगती, इसकी कंजप्शन बहुत कम रहती है। आप ये मान के चलिए अगर हम व्हाइट इंक के साथ कंपेयर करें तो CMYK का एक सेट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 to 15 व्हाइट बॉटल्स, तो इतना ज्यादा इसका कवरेज आ जाता है कलर का। सो हमेशा कलर अच्छा ही क्वालिटी का यूज करना है आपको, इस बात का ध्यान रखें।
जो एक्सपीरियंस सप्लायर है आपका उसी से ही आपको परचेज करना चाहिए जो आपके बाद में क्वेश्चंस को आंसर कर सके। इनफैक्ट मैंने जो भी 85 मशीन्स बेची हैं उसमें हम लोग लगभग 4,900 रुपये इस बात का चार्ज कर रहे हैं कि अगर आप मेरे से कोई मशीन परचेज करते हैं तो जब तक वो आपकी मशीन वहां पे इंस्टॉलेशन हो के आपकी सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारा इंजीनियर आपके साथ अंगेज रहेगा टिल नेक्स्ट 1 ईयर। तो अगले 1 साल तक आपको सपोर्ट हम देते हैं, ठीक है, हम उसका चार्ज करते हैं। बिकॉज सी आपको भी ये चीज का आभास है कि ये चीजें जो है डेडिकेटेड इंजीनियर्स हॉटलाइन के ऊपर या ऑनलाइन आपके लिए अगर 10 से 6 बजे तक सपोर्ट दे रहा है तो इट कॉस्ट समथिंग। हम चीजों को बहुत मिनिमाइज रखने की कोशिश करते हैं, बट उस केस में ये है कि कोई प्रोडक्ट लेके वो चले ही ना, इससे बेटर है कि थोड़ा सा महंगा अगर मिले पर उसकी गारंटी हो कि वो चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो उसकी मनी बैक गारंटी आपको मिलनी चाहिए, मैं ऐसा ऐसा मेरा मानना है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट हम देंगे अगर आपको उस पर कोई इश्यू आता है तो मे बी उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, बट आपका सोल्यूशन किया जाएगा। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, कालकाजी में, लुधियाना में हम लोगों ने डेडिकेटेड प्रिंटिंग स्कूल खोल दिया है। मैं अभी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें आपके पास पूरा ट्रेनिंग का हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये इसका सेकंड बैच कल यानी कि 8 मार्च 2021 को स्टार्ट हो जाएगा सेकंड बैच, और हम लोग इसमें काफी वाइड रेंज का ट्रेनिंग दे रहे हैं। और थोड़ा कोरोना की वजह से हम लोग लिमिटेड ही स्टूडेंट्स को ले पाते हैं और उनका भी आना जाना ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मुंबई से कई लोग आने वाले थे बट वो आपको पता है वो थोड़ा कोरोना की वजह से इश्यूज हुए। अभी मेरे पास क्वेश्चंस आपके आने शुरू हो गए हैं। नेपाल में लोग काफी एग्रेसिव, मैंने देखा डीटीएफ को लेके 3 स्टेट से बहुत ज्यादा लोग एग्रेसिव थे। एक तो गुजराती हैं एज यूजल, दूसरा दिल्ली वाले तो आपको पता ही है वो तो होंगे ही, और तीसरा नेपाल वाले। नेपाल से मुझे इतनी क्वेरी आई, आई थिंक मोर देन 100, और अभी तक मैं नेपाल में करीब 9 मशीन्स बेच चुका हूँ, ये L1800 जो कि बाद में थोड़ा थोड़ा लगता है मुझे कि बड़ी मशीन्स में कन्वर्ट होंगे। नेपाल में कल भी एक पर्सन नेपाल से आ रहे हैं, वो हमारे दिल्ली ऑफिस से एक मशीन लेके जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जो लोग विजनरी हैं उनको ये प्रोडक्ट इमीडिएटली समझ में आ गया। कुछ लोग अभी टेक्नोलॉजी को लगता है उनको कि स्टेबल नहीं है या ऐसा है वैसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अगर लेंगे आप इसको अच्छे से चला पाएंगे। इवन 1 लाख से नीचे जो प्रोडक्ट की इनपुट है आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास बिजनेस है, मैं कहता हूँ 30 एक टी शर्ट अगर डेली का आपके पास बिजनेस है ऑनलाइन या ऑफलाइन 30 से 50 टी शर्ट का, तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। इवन 100 टी शर्ट भी होगी तो 9x12 आपको 100 टी शर्ट इस प्रिंटर से प्रिंट हो सकती हैं। तो 1 महीने में आप अपनी इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट्स आरओआई आपकी निकल जाएगी, तो इसमें ऐसा कोई डरने वाला सिस्टम है नहीं। सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज है कि अभी रनिंग कॉस्ट क्या है। सी अगर हम छोटी मशीन लगाते हैं एप्सन L1800 टाइप, तो आप ये मान के चलिए चलिए कि 80,000 के आसपास प्रिंटर सॉफ्टवेयर कलर इंक्स व्हाइट इंक 1 लीटर पाउडर 2 किलो 100 to 200 शीट्स सपोर्ट प्रिंटर को मॉडिफिकेशन जो हम करके देना होता है वो, तो ये सारा कुछ मिला के एक पैकेज सा बन जाएगा जो हम पैकेज के तौर पे ही सेल करते हैं। एंड जो छोटी मशीन का कॉस्ट है वो प्रोडक्शन मशीन से थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि प्रोडक्शन मशीन में 24 इंचेस का रोल है और वो रोल कॉन्टिन्यूस प्रिंट होता है, उसकी कॉस्टिंग में और शीट जब उस हम कटवाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग में फर्क आएगा। आप मोटा मोटा अगर मैं आपको बता सकूं 24 इंचेस प्रोडक्शन प्रिंटर जो है इसकी रनिंग कॉस्ट करीब करीब 25 पैसा के आसपास आएगी। अगर बहुत छोटे डिजाइन है नेक लेवल्स टाइप है तो 20 पैसे भी आ सकती है पर स्क्वायर इंच, बट दिस इज ओनली रॉ मटेरियल कॉस्ट मींस इंक एंड मीडिया एंड पाउडर। 25 पैसे मान के चलेंगे तो बेटर है क्योंकि उसमें कुछ क्लीनिंग वाला भी हो जाएगा, उसमें इंक थोड़ी सी वेस्ट होगी। तो टुगेदर हम अगर देखें तो प्रोडक्शन मशीन में 25 पैसे के आसपास कॉस्टिंग आएगी। अगर हम L1800 की बात करें तो करीब करीब 30 से 32 पैसे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ के आएगा क्योंकि वो शीट भी आपको महंगी मिलती है, उसकी कटिंग होती है 50 शीट का पैकेट है, वो रोल है वो सिंगल पैकिंग में है, तो इस तरह से होलसेल और रिटेल वाला एक गैप तो रहता ही है।
आप अपने क्वेश्चन मुझे प्लीज पूछते रहिए। अभी मिस्टर इंद्र कुमार सिंह ने पूछा है, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द टीपीयू पाउडर यू आर प्रोवाइडिंग इन अ कंप्लीट सेटअप। सी पाउडर मेरे पास तीन तरह का हम यूजुअली देते हैं। सबसे जो सस्ता पाउडर है वो लगभग 650 से 850 के बीच में है। अब 650 और 850 का रेट का क्यों डिफरेंस है? उस वो आएगा 20 kg बैग के अंदर। अगर तो 20 kg बैग कोई परचेज करता है तो वो होलसेल 675 के आसपास बैठेगा। किसी को 1 किलो चाहिए तो 800 850 के आसपास उसकी कॉस्ट रहती है। ये सबसे सस्ता आएगा। और इसमें फर्क क्या है वो मैं आपको भी 2 मिनट के बाद बताता हूँ सस्ता क्यों है। तो ये एक पाउडर आपका हो गया 675 से 850 के बीच में, सबसे सस्ता वाला जो है। उसके बाद मेरे पास एक पाउडर है 080। 080 इज टीपीयू। जो पहले वाला था वो टीपीयू नहीं कह सकते हैं, वो एक्चुअली पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर पाउडर है। और टीपीयू का मतलब हो गया थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन पाउडर। तो वो थोड़ा व्हाइट कलर में होगा टीपीयू, और जो पॉलिएस्टर पाउडर है वो थोड़ा सा येलो टोन में होगा। अब दोनों में फर्क क्या है ये मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको बता रहा हूँ। अभी कॉस्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ। 080 जो है वो बहुत बारीक रहता है, जस्ट लाइक मैदा। और जो आपका 80-200 है इज जस्ट लाइक सूजी। सूजी आप समझते हैं, रवा, रवा जो होता है वो, उसका पार्टिकल साइज बड़ा रहेगा, लगभग 80-200 microns। और 0-80 तो बिल्कुल पाउडर मैदे की तरह होगा, बिल्कुल फाइन। अब इसका भी अपना फायदा और नुकसान है। 080 जो है बहुत फाइन टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये शीट के ऊपर भी चिपक जाता है। अगर आपकी शीट हल्की है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी वो चिपक जाता है उसके साथ। तो इसको हमेशा किसी दूसरे पाउडर के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं, किसी रेशियो में 2 किलो वो 1 किलो ये हो, या 3 किलो बढ़िया मोटा वाला पाउडर और 1 किलो बारीक वाला, तो ये मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं, तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। सबसे महंगा पाउडर जो मेरे पास है वो फ्रांस का है, मेड इन फ्रांस। उसकी प्राइस सिर्फ 1400 रुपए किलो रहेगी। वो रियल पाउडर है जो, जिसको हम टीपीयू कह सकते हैं। उसका गेज है 100-200, 100 माइक्रोन मिनिमम रहेगा, 200 माइक्रोन मैक्सिमम उसका पार्टिकल साइज रहेगा। तो ये कुल मिला के आपका प्रोडक्ट जो है सबसे बढ़िया है। उसका फायदा क्या है, ये स्ट्रेच बहुत ज्यादा दे सकता है आपको। आप लाइक्रा के ऊपर भी लगाएंगे तो आप इसको मान लीजिए 2 इंच का कोई पीस है तो उसको आप 6 इंच तक भी वाइड कर देंगे तो वो फटता नहीं है। कपड़ा आपका डिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच, इतना स्ट्रेच के लिए कोई भी प्रिंटिंग नहीं होती है। आप किसी वाइनल को भी स्ट्रेच कर देंगे तो वो भी थोड़ा वेवी हो जाएगा, हालांकि आयरन करने के ऊपर वो ठीक हो जाता है। अब मेन प्रोडक्ट के बारे में जो आपको मैं बता रहा था कि फर्क क्या है, जो पहले वाला सस्ता वाला पाउडर था 675-850, वो प्योर आप कह सकते हैं पॉलिएस्टर है, वो टीपीयू नहीं होता है। लोग गलत जानकारी देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं। वो आपका चल जाएगा, पर मैं आपको उसकी प्रॉब्लम बताता हूँ, उसका होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप देखिए ये जो है, मान लीजिए ये चीज आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको खींचता हूं तो ये फट जाएगा। आप दिखाता हूं मैं आपको, ये अगर आप ये देखिए तो ये देखिए, ये पाउडर आपका सस्ता वाला है, ये पॉलिएस्टर होता है। इसकी फील भी थोड़ी हार्ड रहती है, फील भी हार्ड रहेगी, और दूसरा ये खराब भी हो जाएगा, फट जाएगा, चल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने हमेशा वेबिनार्स के अंदर, चाहे हमारे अटेंडेंस ज्यादा हो चाहे कम हो, बट मैं हमेशा रियल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ये एक पाउडर है, ये है टीपीयू रियल में। अब देखिए, ये मैंने करीब करीब 10 वॉश किए तो ये वाला जो है ये निकल गया, ये अभी भी टिका हुआ है। ये देखिए, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है कि नहीं, बट राइट साइड वाला जो है वो ज्यादा वॉश, ये जो है ये खराब हो गया है, ये अभी भी सही है। तो कुल मिला के जो डिफरेंस है, पोलियस्टर जो है वो एक काम चलाऊ सीन बना देगा, आपका काम चल जाएगा। आप इवेंट बेस में दे सकते हैं कि होली की कोई टी शर्ट बनाएंगे, होली में डाली और उसके बाद फेंक दी, तो वो पाउडर आप वहां यूज कर सकते हैं। फील थोड़ी सी हार्ड होती है इसकी, स्ट्रेच हो जाएगा बट फट जाएगा, राइट। और अच्छा वाला जो टीपीयू है उसकी फील इससे लगभग 5 गुना कम
हार्ड होगी, आप सॉफ्ट ही रहेगा ये। जैसे मान लीजिए आपको मैं ये दिखाता हूँ, जैसे ये है, इसकी फील काफी अच्छी है और स्ट्रेच में जो है, ये कपड़ा मेरे पास स्ट्रेचेबल है थोड़ा, तो ये स्ट्रेच करेंगे जितना मर्जी तो ये फटता नहीं है। मतलब ठीक है, ये डिफॉर्म हो जाएगा बट फटेगा नहीं। सी, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये मैंने ओरिजिनल टीपीयू जो है अच्छा वाला, उसके ऊपर ये मास्क प्रिंट किया था जब सितंबर में हमने मशीन इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। ये देखिए, ये अभी तक है, हालांकि ये मास्क बिल्कुल बेकार हो चुका है, एकदम बस फेंकने वाले ही हैं हम इसको। ये मैंने 40 से ऊपर, अभी काउंट नहीं कितना किया बट 40 to 50 के बीच में कहीं रहा होगा, क्योंकि डेली मैं इसको वॉश करके यूज कर रहा था। तो ये जो है अभी तक खराब होना शुरू हो गया है, बट इसकी प्रिंटिंग अभी तक टिकी हुई है। हालांकि अब वैसी चमक नहीं है उसमें, क्योंकि कॉटन में ऐसा प्रॉपर्टी होती है, लिंट जो है डे बाय डे वॉशिंग पे लिंट जाता रहेगा और थोड़ा सा प्रिंटिंग भी वो डल करता रहेगा। तो इतना कॉस्टिंग जो है, 1400 रुपया आप खर्च करके जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट इज रियल टीपीयू, और उसमें फील सॉफ्ट रहेगी। ये जब वॉश करेंगे तो ये जो सॉफ्टनेस है ये साबुन को रेजिस्ट नहीं करेगी। जितना आपका प्रोडक्ट हार्ड होगा, हार्ड चीज रेजिस्ट करती है, सॉफ्ट चीज रेजिस्ट नहीं करती है। वो उसी के साथ जब आप वॉश करेंगे होगा तो वो फ्लेक्सिबल रहेगा। जितना ज्यादा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ऑब्वियसली उसकी लाइफ उतनी ज्यादा रहेगी। जो रेजिस्ट करेगा वो अपने ही रेजिस्टेंस से या उसके जो फ्रिक्शन से वो कलर निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी लाइफ ओवरऑल कम रहेगी। सेकेंडली, हाउ टू स्टार्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट विद द प्रोडक्ट रेंज। देखिए, मिस्टर निलेश पूछ रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट है। सी, जो प्रिंटर है और उसके साथ सारी एक्सेसरीज, इंक्स, व्हाइट इंक्स, कलर इंक्स, पाउडर, शीट्स, सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन, सब कुछ मिला के ये आपका 80,000 के आसपास कॉस्टिंग है, विद रॉ मटेरियल, विद टैक्सेस, इंक्लूडिंग टैक्सेस। मींस ये कोई 67,000 हुआ प्लस जीएसटी। कुछ फ्रेट आएगा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, कितने दूर पे आप हैं। तीसरा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, L1800 सीधे से इंक डाल के नहीं चलेगा, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। वो क्या क्या पड़ती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पिंच रोलर्स निकालने पड़ेंगे फ्रंट से। मैंने आपको बताया कि शीट जब प्रिंट होगी, पिंच रोलर अगर उसके अंदर है तो वो सीधी लाइंस डाल देंगे, बेकार हो जाएगा प्रिंट, किसी काम का नहीं रहेगा। तो पिंच रोलर आपको निकालने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वेस्ट की जो पाइप है वो आपको बाहर निकालना है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, मशीन की जो पिकअप है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है रेगुलरली। वो पेपर को उठाने के लिए डिजाइन की गई है, प्लास्टिक की शीट को उठाने के लिए डिजाइन नहीं की गई है, तो उसको हार्ड करना पड़ता है। अब ये आइदर एप्सन का इंजीनियर कर सकता है या कोई टेक्निकल पर्सन कर सकता है, आप खुद से इसको नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अंदर जाके करने वाला काम है, तो आप इसको मॉडिफाई कराइए। अदरवाइज अगर आप नहीं कराते हैं तो मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ इसकी क्या है। मिस पिकिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोटिंग बहुत सॉफ्ट है, वो इतनी सॉफ्ट है कि अगर आप थोड़ा जोर से उसको भी रब कर देते हैं तो कोटिंग निकल जाती है। यही इसकी प्रॉपर्टी है कि कुछ समय तक इंक को होल्ड करना है, जब इसको ट्रांसफर करना है तो ये छूट जाना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, ये इसकी कमी भी है। अगर उसकी जो छोड़ने, ट्रांसफर को रिलीज करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो ट्रांसफर अच्छा माना जाएगा, और जो फिल्म उसको रिलीज ही नहीं करेगी तो करेक्टर उखड़ जाएगा, तो फायदा ही नहीं है उस प्रोडक्ट का। तो आपकी फिल्म का इतना सॉफ्ट हो जाना कोटिंग का, जब वो पेपर पिकअप करता है वो कोटिंग हर बार उस रोलर के ऊपर लग जाती है, चिपक जाती है, तो एक समय आता है वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो जाता है और आपका वो पिक नहीं कर पाता पेपर को। तो मैं अगर उसकी जो पिकअप है उसको हार्ड नहीं करेंगे तो ये इश्यू रहेगा। अगर हार्ड कर देंगे तो आप इधर चार पीस डाल दीजिए फिल्म के, वो चार के चार ही उठा के ले जाएगा। सो उसको मॉडिफाई करना इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इस तरह की समस्या नहीं चाहते तो आप फ्लैट बेड वाले वर्जन में जा सकते हैं, उसमें तो गम लगा हुआ फ्लैट बेड है, उसपे तो प्रिंट वो कर ही देगा। तो
उसमें तो पिकअप की कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ भी उसकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है क्योंकि आधा तो उसका फ्लैट बेड के अंदर ही स्ट्रक्चर बना हुआ प्रिंटर का, तो डेफिशिएंसी जल्दी मशीन में नहीं आती। व्हाइट कलर का जो प्रॉब्लम है चोकिंग का, वो नहीं है, व्हाइट इंक बहुत ज्यादा स्टेबल है। और पर ये है कि आपको उसको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, आपको दिन में एक बार उसको टैंक को शेक करना है, जस्ट 3-4 बार, और इनफ, इतना काफी है। 2 दिन आप उसको छोड़ सकते हैं बिना काम किए हुए, तीसरे दिन आपको उसको एक आध कुछ प्रिंट निकालना चाहिए, चाहे नोजल चेक निकाल दीजिए इतना ही काफी रहेगा, या हल्की सी एक क्लीन मार दीजिए। एक क्लीनिंग में लगभग 5 से 6 रुपए की इंक वेस्ट होती है, आपको ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रिंटर चलने वाला है। अगर आप हफ्ते में प्रिंट स्टार्ट करेंगे तो ये ट्रबल क्रिएट करेगा। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा ज्यादा ही यूज करें, ज्यादा मतलब 5 प्रिंट डेली अगर आप निकालते हैं तो ये बहुत अच्छा है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी मेरे पास कुछ और क्वेश्चन आया है, आई नीड फ्लोरोसेंट इंक फॉर नेपाल। नेपाल में इनको फ्लोरोसेंट इंक चाहिए एकता प्रेस, हाउ कैन यू सप्लाई दिल्ली टू काठमांडू। सी, अब हम लोग ऑनलाइन है तो नेपाल भेजने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो आपके पास एग्जिम नंबर होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आप जो है हमें डायरेक्ट बैंक में पेमेंट करेंगे, हम आपको यहाँ से कुरियर से भेज देंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। दिल्ली में कुछ कुरियर्स हैं जो नेपाल में डिलीवर करते हैं 600 रुपीज केजी, और उनका सिस्टम मुझे नहीं पता कैसे क्या करते हैं, बट वो उनको दिल्ली में हम अगर देते हैं कार्गो कोई भी, तो वो 600 रुपये चार्ज करते हैं, वो वहां डिलीवर कर देते हैं। इट इज अप टू यू कि आपका कोई लोग यहाँ से पिकअप करने के लिए आएगा, आपका कोई सोर्स, या तो हम यहाँ से भेजेंगे या वो डायरेक्ट कार्गो वाले खुद ही ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट वो ले जाते हैं अगर आपके पास एग्जिम नंबर नहीं है तो। हाँ, फ्लोरोसेंट इंक आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है मेरे पास। अगेन अनिलेश जी का क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट मिनिमम। मैंने आपको बता दिया, लगभग 80,000 रुपए के आसपास आपकी मशीन हो गई, उसका रॉ मटेरियल हो गया। आपको एक हीट प्रेस चाहिए जो कि 10,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी, 15 इंच पे 15 इंच की। और उसके अलावा आपको एक ओवन चाहिए, ओवन में बहुत लोग ना समझ नहीं पा रहे ओवन क्या है। ओवन ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये मान के चलिए कि ओटीजी जैसे होता है, ओटीजी में हम केक वगैरह बनाते हैं, ओटीजी 3 से 4 हजार रुपए में आपको किसी भी जगह से मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉप पे जहाँ पे पंखे या आपको एसी फ्रिज वगैरह मिलता है। तो मैंने दिल्ली में फिलिप्स का एक लिया था, वो काफी अच्छा है, उसमें हम टेम्परेचर डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं, और 2 ट्रे भी उसके अंदर है, और वो मेरे ख्याल से 36 लीटर्स का था, काफी अच्छा है वो तो। और मुझे लगता है कि वो ड्यूरेबल है, अगले 10 साल चल जाएगा, फिलिप्स का है प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा। तो अगर सस्ता चाहिए आपको तो 2-3 हजार रुपये में ओटीजी आप कोई भी ले सकते हैं। ओटीजी, ओटीजी का मतलब आई थिंक ओवन टोस्टर ग्रिलर ऐसे कुछ नाम है, एंड ग्रिल एक्चुअली वो ओवन ही चाहिए, तो आप ओटीजी यूज कर लीजिए, वो आपका काम कर देगा, सफिशियंट है उतना, उससे ज्यादा महंगा लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो कुल मिला के 1-1.25 लाख रुपए में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ब्रांडिंग आप कर पाएंगे, डार्क कॉटन के ऊपर भी, लाइट कॉटन के ऊपर, लाइक्रा, ड्राई फिट कॉटन, जूट, कुछ भी, पॉली जूट, एंड योर लेदराइट, जैसे कार के सीट कवर रहते हैं, तो इसके ऊपर भी आप उसको कर पाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो L1800 की अवेलेबिलिटी अभी थोड़ी शॉर्ट है, ये बुकिंग पे हम लोग लेते हैं, प्राइस भी कई बार ओवर मिलता है, हम ऑल ओवर इंडिया जहां भी मशीन मिलती है हम वहां से परचेज करते हैं, तो उसकी फ्रेट भी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है, हालांकि हम अपनी प्राइसिंग नहीं बढ़ाते। पहले मैं आधा लीटर 500 ml व्हाइट इंक के साथ दे रहा था, अभी मैंने 1 लीटर व्हाइट पूरा बॉटल देना शुरू कर दिया है, तो अभी कॉस्ट लगभग इंक्लूडिंग टैक्सेस 81,000 के आसपास पड़ती है, जिसमें मशीन सम टाइम हमें 34 से लेके 40,000 के बीच में कॉस्ट करती है, तो वो हम उसी रेट पे जहां पे मिले वो हम परचेज करते हैं, तो हम सेलिंग प्राइस को स्टेबल रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो आपको मशीन अगर मिलती है तो मॉडिफाई कराने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, गाइड हम कर देंगे क्या करना है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो हेल्पफुल है। दूसरा, इसके अलावा आपका जो भी कोई क्वेश्चन है वो मैं आपको बताया कि आप यहाँ पे इमरान पूछते हैं A4 साइज 100%, यस 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 यस, सी 12 बाई 18 इंचेस, सपोज दिस दिस शीट यू कैन प्रिंट 50 शीट्स अ डे, तो हाफ करेंगे तो ये A4 से बड़ा रहता है।
8.5 11 के आसपास रहता है ये, 9 इंच बाय 12 इंच का प्रिंट, 100 प्रिंट आपके निकल जाएंगे, दिस इज सफिशियंट। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर दैट यू आर प्रोवाइडिंग इज कंपैटिबल विद विंडोज। सी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं कोई नहीं दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रिप सॉफ्टवेयर। अब रिप सॉफ्टवेयर क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बताया था। सपोज रिप सॉफ्टवेयर का मतलब है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बंडल जो कुछ डेडिकेटेड तरीके से किसी प्रोडक्ट को काम करने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर दें। मोटे तौर पे जैसे टैली है, आपका कंप्यूटर तो वही रहता है, आपने टैली डाला तो आप अकाउंट कर सकते हैं, अकाउंट्स में काम कर सकते हैं। आपको डिजाइनिंग करनी है तो आपको कोरल ड्रा डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोटोग्राफी में आप हैं तो फोटोशॉप या लाइट रूम इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एक रिप सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर तो है बट वो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसके फीचर्स को बदल देता है। जैसे एप्सन L1800 तो DTF प्रिंटर नहीं है, पर उसको DTF प्रिंटर बनाएगा कौन? प्रिंटर के ड्राइवर को तो यही पता है कि वो 6 कलर का फोटो प्रिंटर है। तो जो रिप सॉफ्टवेयर है वो हमें ऑप्शन देता है कि हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले रिप सॉफ्टवेयर जो है उसमें एक फंक्शंस का पूरा लिस्ट रहता है, डेटा इस तरह से लिखा जाता है उसके अंदर कि उससे हम किसी हार्डवेयर से एक स्पेशली कुछ डिफरेंट टाइप का काम करा सकें जिसके लिए कि वो मशीन नहीं बनी है। तो जैसे हम CMYK में तो हम पेट फिल्म ये इंक डाल देंगे DTF की, अब 2 वाइट के लिए तो उसमें ऑप्शन था ही नहीं, तो लाइट का सायन और लाइट मजेंटा में व्हाइट डालेंगे और सॉफ्टवेयर को हम ये बोल देंगे कि भाई हमने इसमें 2 में व्हाइट डाल रखे हैं और हमें कलर पहले प्रिंट करना है, व्हाइट बाद में प्रिंट करना है। TTG में उल्टा होता था, डायरेक्ट टू गारमेंट में क्या था, पहले व्हाइट प्रिंट होता था उसके ऊपर कलर प्रिंट होता था। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हमें वो सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन मिलती है, नॉर्मली तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इट्स अ रिप सॉफ्टवेयर विच इज कैपेबल टू कन्वर्ट सम मशीन टू डू सम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ वर्क और स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट। अगेन रिप सॉफ्टवेयर, इसके लिए पैंथर रिप, इसका नाम जो है सॉफ्टवेयर का पैंथर रिप है, PANTHER, पैंथर रिप, या आप एक्रो रिप का 9.0.3 वर्जन यूज कर सकते हैं। ये दो वर्जन जो है वो आएंगे। एप्सन का जो हेड का जो कॉस्ट है, प्रिंट हेड का कॉस्ट, अभी अगर आप मुझसे हेड लेंगे तो आई कैन प्रोवाइड यू 6,200 रुपीज, आई थिंक, मेरे ख्याल से इतने के आसपास ही है, हमने कभी ज्यादा लगाए नहीं, अभी तक इतना कुछ खराब नहीं हुआ। ईशान पूछ रहे हैं डज एप्सन कवर वारंटी आपने मेरा, नॉट एट ऑल, नो 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 नो, आफ्टर मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन आपको अलाउ है ही नहीं एप्सन के अंदर। बट आपको DTF प्रिंटर चाहिए तो आप, जैसे आप सब्लिमेशन आपको निकालना है 1800 पे तो आप नहीं निकाल सकते हैं, मीन्स आपको जैसे ही इंक डालेंगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी, डेफिनेटली वारंटी विल बी वॉइड। आपकी मशीन एप्सन से तभी वारंटी कवर होगी जब एप्सन की जेन्युइन इंक उसके अंदर चलती है, जैसे ही आपने कोई और एक्टिविटी की तो वो मशीन जो है वारंटी वॉइड नहीं हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो भी खर्च रहेगा वो आपको खुद ही करना है। ये इसीलिए हम मैं बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप इसी तरह से ही उसको बनाएं या लें उस सोर्स से जो रिलायबल सोर्स हो, अदरवाइज आपको ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। यस उसके बाद मेरे पास अभी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? मिस्टर जॉन, एनी स्पेसिफिक विंडोज रिक्वायर्ड फॉर द पैंथर रिप? नो, रिप सॉफ्टवेयर आप विंडोज 7/64 बिट पे करेंगे तो बहुत अच्छा है, फास्ट चलता है, रिपिंग फास्ट होती है। अगर आपके पास 6th के बाद जनरेशन वाला सिस्टम है, लाइक 7th और 8th और 9th जनरेशन, उसमें तो विंडोज 10 ही होगी, 7 होगी नहीं, तो 10 में भी हो जाएगा, 64 बिट उसका वर्जन चाहिए होता है। ओके सो सबसे पहले आपको देखिए क्या होता है, DTF जो है हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप चाइनीज वाला लें। एप्सन में जैसे सब्लिमेशन प्रिंटर आते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि जेनुअन इंक वाला सब्लिमेशन आप प्रिंटर लें। क्यों? आप अगर डिस्टेंस पे हैं, वहां पे सर्विस थोड़ा दूर है तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आपने किसी ऐसे सोर्स से, मैंने देखा, मैं जानता हूं कई लोगों को, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, वो किसी और प्रोडक्ट को बेचते हैं, विश्वास करिए वो
फ्यूजिंग प्रेस बनाते हैं, ये जो गर्म करने वाला प्रेस है वो बनाते हैं, और दे आर सेलिंग एप्सन मशीन वाइड फॉर्मेट विदाउट रिप सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी कलर मैनेजमेंट, विदाउट एनी नॉलेज कि आप ये प्रिंटर ले जाओ, ये कार्ट्रिज है, इसमें इंक डालो, डालो और चलाओ, ऐसे नहीं होता है। आपके कलर आप ब्लैक डालोगे ब्राउन आएगा तो वो तो बेचारा तो परेशान होता रहेगा, उसको सर्विस सपोर्ट बाद में। यही लोग बोलते हैं कि एप्सन की जो प्रिंटर है ये अच्छा नहीं है, एप्सन इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम उस बंदे ने क्रिएट कर दी जो आपका वेंडर है जिसको नॉलेज नहीं है। सो एज पर माई रिकमेंडेशन, जो एप्सन का सोल्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल है आप उसको लीजिए। एप्सन का 530 आता है सब्लिमेशन के साथ, 1 ईयर वारंटी के साथ, थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है महंगा पड़ेगा क्योंकि वो यार जेनुइन इंक के साथ है। अब उस पे 531 मॉडल आता है फ्लोरोसेंट इंक के साथ, तो आप उसको लीजिए। अगर आपका ज्यादा बड़ा काम है तो 44 इंच का प्रिंटर आता है F6270, आप उस पर जा सकते हैं, उस पर भी वारंटी कवर होती है, ऑन साइट सर्विस है। सो रनिंग कॉस्ट मैं मानता हूं कि थोड़ी ज्यादा होगी, बट आपको वारंटी, आफ्टर सेल सपोर्ट, हेड की लाइफ, ये सब कुछ जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो DTF के लिए अभी ना तो एप्सन में, ना HP में, ना कैनन में कुछ कोई ऑप्शन अवेलेबल है। सो आपको मॉडिफाई में जाना पड़ेगा, वारंटी उससे आपकी वॉइड हो जाएगी, दैट इज कंफर्म। बट अगर जैसे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूं, तो आई कैन एश्योर कि आपकी मशीन का हेड खराब नहीं होगा, नहीं होता है उससे। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, आपकी मशीन का हेड कहीं नहीं जाएगा। सबसे जो जरूरी बात है, इज एनी पाउडर शेकर और हीटर फॉर नाउ। L1800 छोटा प्रिंटर है, पाउडर शेकर अगर आप लेंगे, जो वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है उन्होंने, मेरी बात हुई अभी भी 1 घंटा पहले भी, मुझे एक प्राइस आया है चाइना से, पर जो हमने क्रॉस चेक करने के लिए अपने एजेंट से जब हमने वेरीफाई किया, ये प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल है, इतना छोटा प्रिंटर है इतने लंबे समय के लिए काम नहीं कर सकता है, आपको ट्रबल आएगी और इसका खर्चा करीब 2.5 से 3.5 के बीच में ये मशीन आने वाली है। नहीं लेना चाहिए इस मशीन को, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके परेशानी मोल लेने का कोई फायदा नहीं। L1800 मैं कहता हूं, मैं आपका साल में एक हेड भी चेंज हुआ, दो भी हुए, तो कुल मिला के 10,000 का खर्चा हुआ आपका, पर ये मशीन आपको 10-15 लाख रुपए कमा के दे सकती है, ट्रस्ट मी। अगर आपको ये चीज चेक करना है तो मेरा लुधियाना में हमने एक डेडिकेटेड स्कूल बना रखा है, 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए आप आइए, यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, खुद से चलाइए 2 दिन मशीन को, 20-50-100 प्रिंट निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा। और कि कई लोगों की नहीं चलती है, मुंबई से एक भाई साहब सप्लायर हैं इसी तरह के प्रोडक्ट के, और अभी तक मेरे ख्याल से वो अभी प्रॉब्लम में ही हैं, वो इसका सलूशन पूरा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके काफी सारे जो बायर हैं वो जब मेरे पास आए तो उनके साथ वही प्रॉब्लम थी कि जब हम फिल्म प्रिंट करते हैं तो कलर इंक के साथ व्हाइट इंक मिक्स हो जाती है। ट्रस्ट मी, ये चीज हमें पहले ही यानी कि अगस्त में पता लगी थी इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है, ये जो DTF की इंक है ये DTF की ही इंक है, ये DTG की इंक नहीं है। अगर आप DTG की इंक में व्हाइट इंक चलाएंगे तो दोनों आपस के अंदर घुस जाएंगी और आपकी वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई साहब आप पेट फिल्म की जो डेडिकेटेड DTF इंक है उसको बेचिए, ना कि DTG की इंक को। DTG DTF को रिप्लेस नहीं करती है, वो इंक में थोड़ा सा फर्क है, व्हाइट इंक तो बहुत ही ज्यादा फर्क है, क्योंकि DTG की वाइट जो है वो खड़ी के ऊपर बेस्ड है, खड़ी मीन्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर बेस्ड है। ये वाइट जो है मुझे नहीं पता क्या है, बट ये पिगमेंट बेस्ड कुछ है मटेरियल, बट ये बड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है ये इंक। मेरे हिसाब से इसको इसकी प्योरिटी में ही रख के यूज करना चाहिए, R&D या एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना चाहिए। आपको जैसे मैं कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, मैं आपको हेड पे 1 महीने की वारंटी ऑफर कर सकता हूं, उसमें आप टेस्ट करिए, मशीन का हेड जाएगा, आई विल गिव यू फ्री हेड जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। दूसरा, अभी के लिए DTF में मैं इतना ही बता रहा हूं, मेरे पास अभी तीन दो तीन टॉपिक और हैं, और अभी तक हाँ क्वेश्चंस आपके ज्यादा नहीं आए हैं। सर नियोन इंक में हेड में कुछ इश्यूज हो सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। नियोन इंक या कोई कलर इंक, मुझे अभी तक कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट में प्रॉब्लम तब आएगी जब आप एक एक हफ्ता मशीन को बंद कर देंगे, तो व्हाइट आपका चोक कर सकता है, खुल वो भी जाएगा। मैं आपको दो तरह की क्लीनिंग सॉल्यूशन साथ में दूंगा, वो आपको यूज करना है, कहीं नहीं जाता मशीन कभी भी, बट आप उसको छोड़ देंगे किसी लेबर के भरोसे जो उसकी केयर नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है।
हालांकि फिर भी हम सपोर्ट देंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, अभी मैं आपको एक और प्रोडक्ट से आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, वो है ये वाइनल। हमने ये पूरी रेंज यहाँ पे अभी शुरू की है। हमारे पास इस तरह की जो प्रोडक्ट है ये कोरियन प्रोडक्ट है, इसमें एक भी वाइनल चाइना की नहीं है, ये एश्योरिटी आपको हमसे मिलेगी, पहली बात। दूसरा, सभी के सभी जो ये वाइनल है आपको पीयू मिलेंगे, पीवीसी नहीं मिलेंगे। पीवीसी चीप होता है, प्रेस लगने पे खराब हो जाता है। एक चीज और, प्रेस से मुझे याद आया कि अगर सस्ता पाउडर आप लगाएंगे, प्रेस लगाएंगे तो वो निकल जाएगा, हल्के पाउडर पे प्रेस लगाएंगे तेज करके 2 नंबर 3 नंबर पे तो वो चिपक जाएगा और स्टिकर खराब हो जाएगा आपका। अगर वो 1400 रुपए किलो वाला टीपी यूज करेंगे, वो पीयू है, पीवीसी। पीवीसी मीन्स पोलिएस्टर बेस्ड, पीवीसी चलो वो थोड़ा अलग हो गया, बट पोलिएस्टर के ऊपर प्रेस नहीं लगा सकते। पीवीसी जो है उसके ऊपर, वाइनल के ऊपर भी प्रेस नहीं लगा सकते। सेम वे पीयू जो वाइनल है उसके ऊपर प्रेस लग भी जाएगी तो खराब नहीं होगी, हो सकता है वो थोड़ा सा अपना आकार बदल दे बट खराब नहीं होगी, जलेगी नहीं। सेम वे जो 1400 रुपए वाला टीपीयू है वो प्योर पीयू है, और प्योर पीयू जो है उसका टॉलरेंस ज्यादा होता है अगेंस्ट हीट। तो हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्टिव से लेके, सी आप शायद देख पा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिव है, एंड इसके अंदर भी मेरे पास ये एक नया रेंज आया है। ये पहली लाइन जो है, फर्स्ट लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लू रेड ब्राउन येलो गोल्डन व्हाइट एंड रेड, ये रिफ्लेक्टिव ग्लिटर है, ये नया प्रोडक्ट है। इस तरह की वनाल पहले नहीं आती थी, रिफ्लेक्ट भी करेगा और ये ग्लिटर भी है। लेडीज वेयर में या मेंस वेयर में कुछ कलर्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, और इसकी जो फील है ये ग्लॉसी है, इट्स लाइक सिलिकॉन। सिलिकॉन बड़ा ही स्मूथ और सॉफ्ट प्रोडक्ट होता है। और इसके अलावा एक नया प्रोडक्ट और हमने लॉन्च किया है, वो ये है। ये सारे प्लेन कलर्स हैं बट सारे के सारे रिफ्लेक्टिव हैं। जब भी इनकी फ्रंट से लाइट इस पे आती है तो नॉर्मल कलर की तरह तो ये लगेंगे, बट रात के टाइम पे ये रिफ्लेक्ट भी करेंगे। इसमें मेरे पास 8 कलर्स हैं, तो कुल मिला के अभी हमारे पास 110 शेड्स हैं इसका, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी प्राइस लिस्ट जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 150 रुपीज पर मीटर, 20 इंचेस इंटू 39.4 इंचेस इज 1 यूनिट। तो 150 रुपए से लेके 300 रुपए तक हमारे पास ये रेंज अवेलेबल है। कई यूरोपियन कंपनीज इससे 3 गुना कॉस्ट पे ये विनाइल बेचती हैं, 3 टाइम्स। कंपनी जैसे इटली की कंपनी है साइजर, उनका प्राइस बहुत ज्यादा है, रेंज भी इतनी जो नहीं है। मतलब आपको एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मैं एक रेड कलर का आपको मैं एक ये दिखा रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट देखिए, ये रेड कलर है और डॉट बीच में है, रेड भी है, सिल्वर भी है, व्हाइट भी है। ये साइजर में लगभग 700 से 800 रुपए मीटर का मटेरियल वो देते हैं पीयू में। ये मैं आपको करीब 225 रुपीज पर मीटर में प्रोवाइड करा सकता हूँ, पीयू मेड इन कोरिया। सेकेंडली, इसके पास, इसके हमारे पास शेड्स, वेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, हमारे पास शेड्स इसके बहुत सारे हैं, करीब करीब 110 के आसपास मैं आपको शेड्स दे सकता हूँ, और वैरायटी जो है हम आपको दे सकते हैं। अभी मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ इसी के अंदर, ये भी काफी नया प्रोडक्ट है। दिस इज कलर चेंजिंग स्टिकर, आप देख पा रहे होंगे हर तरफ से ये इसके कलर चेंज होते हैं। ये आपको करीब 250 रुपीज रिटेल में, अगर 2-4 मीटर 5 मीटर चाहिए, और 225 में आपको मैं ये दे सकता हूँ रोल, 25 से 30 मीटर के रेंज में रोल जो है वो अवेलेबल रहेगा। सेम इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोडक्ट है, सी दिस इज कलर चेंजिंग वाइनल। तो इस तरह के डेकोरेटिव वाइनल हमारे पास आपको मिल जाएंगे, कॉस्ट बहुत कम रहेगा। फिर डिजाइनर वाइनल ये काफी महंगे होते हैं, ये लेपर्ड में है। ये सिर्फ जो हम ब्रांड आपको दिखा रहे हैं ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी, खाली रेफरेंस के लिए है, हम नहीं कहते कि आप इसको कॉपी करें या बनाएं, बट फिर भी इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रेफरेंस यूज के लिए है। अगेन ये भी बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है, सिल्वर में है, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट शेड्स के अंदर जाता है, एंड अबव ऑल फ्लेक्सिबल सिल्वर में आपको देता हूँ। ज्यादातर जो है आपको फॉयल मिलेगी, ये जैसे आपको स्टील दिखा रहा हूँ ये स्ट्रेच भी हो सकता है, ये देखिए ये स्ट्रेच हो जाता है, इसकी कीमत ज्यादा होती है। ये भी 800-900 रुपये
मीटर मिलता है, ये मैं आपको करीब 250 रुपये स्क्वायर मीटर दे सकता हूँ, 20 इंचेस बाय 1 मीटर्स। सो ये वाइनल्स जो है काफी अच्छे प्राइस पे हमने इंट्रोड्यूस करी। उसके बाद मैंने आपको डीटीएफ बताया, तो ये इसका जो पाउडर है, ये कि अभी मैं वापस डीटीएफ पे आ रहा हूँ, ये हमने कल एक सैंपल तैयार किया था। अब ये पाउडर जो है ये करीब करीब आप ये मानिए 1400 रुपये वाला है, एंड इसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है, अगर मैं इसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो, इसमें कुछ भी वो नहीं आता है, जो मर्जी जितना मर्जी आप इसको स्ट्रेच कर लें, ये प्रोडक्ट जो है डिफॉर्म हो सकता है बट फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो ये दो चीजें मैंने आपको अभी तक इंट्रोड्यूस कराई हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं और ट्रांसफर बनाते हैं? प्लीज से यस, अगर कोई स्क्रीन प्रिंटिंग में है और ट्रांसफर बनाते हैं। नोबडी? मिस्टर ललित जैन, ललित जी फ्रॉम हैदराबाद, राइट? हाँ ललित जी, गुड आफ्टरनून। मैंने अभी देखा एक प्रोडक्ट नया हमने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं अभी अभी मैंने सिर्फ एक लोग को दिया यहाँ पे, दिस इज द शीट। अगर आप देखें तो ये भी थोड़ा सा अजीब सी शीट दिखेगी आपको। ललित जी देखिए, ये आपके काम की है, ये शीट क्या खास है इसमें? आपको सिंपल किसी भी कलर में, चाहे वो वाटर बेस है, चाहे वो प्लास्टिसोल है, चाहे वाटर बेस है, चाहे प्लास्टिसोल है, नॉर्मल स्क्रीन प्रिंटिंग करनी है आपको। नॉर्मल स्क्रीन प्रिंटिंग करने के बाद जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये रिफ्लेक्शन आएगी इसमें। मतलब आप जैसे रिफ्लेक्टर लेके उसको कटिंग प्लॉटर से काटते हैं, फिर एक सिंगल सिंगल उसमें इसको छीलना पड़ता है, वीडिंग करना पड़ता है। मान लीजिए ये लोगो है, सपोज रेफरेंस के लिए मैं एडिडास यूज कर रहा हूँ, कोई भी लोगो है, इसको अगर छीलना है, मान लीजिए 10,000 आपका ऑर्डर है, तो 10,000 बनाने में तो आप मान सकते हैं कि इसको कितना वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से 10 लोग होंगे तो फिर भी 2-4 दिन लग जाएंगे। तो ये सीधा बस प्रिंट करना है, पाउडर लगाया, ग्लू लगाया और क्योरिंग कर दिया, आपका रिफ्लेक्टिव स्टिकर तैयार है। आपकी लेबर इतनी ज्यादा बचेगी इससे, और कॉस्ट भी कोई महंगी नहीं है, अच्छी वाली ये 125 माइक्रोन्स की है ये शीट जो है, और इसमें आपकी दो शीट निकलेंगी। इसका जो हाफ शीट है लगभग 4 रुपए कॉस्ट करती होगी, अच्छी वाली अगर आप लेते हैं तो, ये आपको 6 रुपए कॉस्ट करती है, मात्र 2 रुपए का फर्क पड़ता है शीट के पीछे। जबकि इसका जो बना हुआ प्रोडक्ट है, विदाउट एनी लेबर, बारीक से बारीक फॉन्ट आप प्रिंट कर सकते हैं इस पे, फायदा वीडिंग तो करना ही नहीं है। तो अगर आप इस पे 6 पॉइंट टेक्स्ट भी अच्छा प्रिंट करते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्टिव में आएगा, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे ये बिकने वाला है। मींस ये आपको मैं 12 रुपए के दूंगा, इसके ऊपर 3-4 रुपए, 5 रुपए का आपकी कॉस्टिंग आ गई, 20 रुपए मान लीजिए पर शीट। अब इसको हाफ करके बेचेंगे तो ये एक शीट आपकी 40 रुपीज की बिक जाएगी, रिफ्लेक्टर 80 रुपीज में, 4 टाइम्स यू कैन गेट द प्रॉफिट। सो विच इंक यूज टू गेटिंग? सर ये इस पे कोटिंग है, इस पे कुछ कोटिंग है, नॉर्मल इंक यूज करनी है आपको। मैं कह रहा हूँ 200 रुपए लीटर वाली माइक्रो की इंक, 200 रुपए किलो वाली जो माइक्रो की या ह्यूबर की, या आप 300 रुपए वाली नॉर्मल प्लास्टिसोल यूज कर लो या वाटर बेस यूज कर लो, नॉर्मल कुछ नहीं, रिफ्लेक्टिव इंक यूज नहीं करना है, नॉर्मल इंक यूज करनी है और इस पे प्रिंट करना है सीधा। जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये स्टिकर रिफ्लेक्टिव होगा, ये प्रॉपर्टी शीट की है, इसके अंदर एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, वो उस स्टिकर के ऊपर आ जाती है और वो रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, इसका जो फील है, इट विल बी लाइक वेलवेट फील भी इसका चेंज हो जाएगा, जो आपका प्लास्टिसोल का वैसे भी थोड़ा सा हार्ड सा फील रहता है, वाटर बेस का भी जो नॉर्मल हम प्रिंट करते हैं, पर इसके ऊपर जो परत है वो इसके साथ ही उखड़ के उधर चली जाएगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी। बहुत मेहनत बचने वाली है इससे। ये रली जी आपको मैं कोई स्पेशली इंक यूज नहीं करनी है, आपको नॉर्मल इंक यूज करनी है, 200-250 वाटर बेस या प्लास्टिसोल, आपका वो स्पेसिफिक कलर, ब्लैक कलर पे अगर आप ये प्रिंट करेंगे तो ब्लैक भी रिफ्लेक्ट करेगा, रेड पे करेंगे रेड रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से मेरे पास ज्यादा सैंपल अभी नहीं है, बट ये हमने प्रिंट किया है सेम ये वाला। अब यहाँ पता नहीं मैं आपको दिखाऊं पाऊंगा कि नहीं, मुझे 1 मिनट समय दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दिखा पाऊं।
अगर दिखा पाया तो, क्योंकि कैमरास लगे हैं, आई डोंट नो। हाँ शायद अभी आपको दिख पा रहा होगा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखिए, उसकी अलग से एक चमक रहेगी। तो ये चीज है, नॉर्मल है ये, कोई खास इसमें हमने काम नहीं किया है, सिर्फ शीट स्पेशल है। और इसमें दो प्रोडक्ट मेरे पास है, पाउडर यूज करना है क्या? पाउडर जो टीपीयू ललित जी आप यूज कर रहे हैं डीटीएफ के लिए, सेम पाउडर आप इस पे लगा दीजिए, बस प्रिंट करिए, पाउडर लगाइए, शेक करने के बाद क्यूरिंग में डाल दीजिए, बस हो गया, इतना ही है। फायदा ये है कि जो छोटा लेटर है आप वीड करके कटिंग प्लॉटर से काट के छील नहीं सकते, इस पे आप वो काम कर सकते हैं। सेम डीटीएफ वाला ही है, ये सेल्फ वीड प्रोडक्ट बन जाएगा रिफ्लेक्शन के साथ, बहुत ही बढ़िया चीज है। विकास खान, डू यू हैव गोल्ड एंड सिल्वर इन दिस? आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, इंक आपको गोल्डन लगानी है, बात समझे, या सिल्वर लगानी है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस पे रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग कुछ नहीं होती, वो ग्लास है, कांच है पिसा हुआ, बहुत फाइन, वही रिफ्लेक्ट करता है। तो वो उसकी परत जो है वो कलर के ऊपर आ जाती है, वो कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, डल मतलब रिफ्लेक्टर कोई भी आप लेंगे तो देखने में थोड़ा सा वो मद्धम ही लगेगा। सबसे ज्यादा ये रिफ्लेक्ट करता है व्हाइट के ऊपर, ग्रे के ऊपर, ब्लैक के ऊपर, बहुत अच्छा। और जब लाइट पड़ेगी तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। सो ध्यान दीजिए, ये इंक डिपेंडेंट है, कोई भी इंक आप लगाएंगे, शीट की प्रॉपर्टी है वो उसको रिफ्लेक्टिव बना देगी, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। ललित जी, टू एवरी व्यूअर, आई हैड टेकन योर प्रिंटर फ्रॉम लेजर टेक, ट्रस्ट मी, इन लास्ट 2 months आई प्रोवाइड जॉब स्क्रीन ट्रांसफर फ्रॉम जॉब टू पीटीएफ। ओके, फोन इज सुपर। ललित जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है कि जितना ज्यादा देखिए, 100 में से 100 कॉल्स को भी मैं एंटरटेन नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट फिर भी हमारी 4 लोग की टीम है टेक्निकल सपोर्ट के लिए या कुछ ऑनलाइन सपोर्ट के लिए, तो कोशिश हमारी होती है कि हम ज्यादा समय ना लगाएं टेलीफोनिकली या ऑनलाइन, हम उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। स्टिल रैंक तो हमारा थोड़ा अच्छा ही है, आप 10 में से 8 दे सकते हैं स्टार हमें। थैंक यू। डू यू हैव गोल्डन सर्विस दिस? अब अभी आपका कोई और क्वेश्चन है अगर आप पूछना है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं अभी आपके लिए प्ले कर रहा हूं। ये हमारा ट्रेनिंग स्कूल है लुधियाना के अंदर, ये हमने स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट बैच हमारा फिनिश होगा कल से, सेकंड बैच हमारा चल रहा है। इसमें ये सब कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया है, मैं आपको फिर से इसको दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आगे चला गया। ये फ्लैट बेड डीटीएफ है, आपने इससे पहले नॉर्मल डीटीएफ देखा, ये फ्लैट बेड है, ये हमारा, ये आप ओवन भी देख सकते हैं लोकल वाला, ये हमारा क्लासरूम है यहाँ पे, ये भी जो डिजाइनिंग है यहाँ पे, ये हम लोग क्लास में ही बनाया ये डिजाइन, इसमें हाई डेंसिटी डिजिटल फ्लैक्स जो आपका ये विनाइल है, ये सारा कुछ यूज किया। ये एक नॉर्मल चाइनीज प्लॉटर है, ये हमारा डीटीएफ का प्रोडक्शन प्रिंटर हो गया, ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है। ये मेड इन इंडिया हमारा पाउडर शेकर है जो हमने इंडिया में ही बनाया है, अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह भी हम इसमें यहीं भी करते हैं, इससे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन भी करते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग यहीं पे होगी। इसमें हमने काफी कुछ सुधार किया है पाउडर शेकर के अंदर, और ये नेगेटिव पॉजिटिव निकालने के लिए ये हमारा छोटा सा क्यूरिंग यूनिट हो गया, उसकी इम्प्रिंटिंग करते हैं, और ये हमारे स्टूडेंट स्टूडेंट क्या मतलब हमारे पार्टनर ही हो गए एक तरह से, वो बना रहे हैं हाई डेंसिटी स्टिकर प्रिंट करके, देख रहे हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर दिया, इसमें आप आके लगभग सभी टाइप का आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कोरल ड्रॉ एंड ये देखिए, हमने बिल्कुल जेनरिक स्क्रीन प्रिंटिंग से स्टार्ट करते हैं और उसको हाई डेंसिटी तक जो है हम कोशिश करते हैं कि सिखाएं। ये गर्लिश पीस हमने बनाया कटिंग प्लॉटर और डीटीएफ को मर्ज करके, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर उनको
जो कोरेडा है, फोटोशॉप है, उसकी डिजाइनिंग कैसे करना है उसके अंदर इन ए डे। एक दिन काफी रहेगा कोरल सीखने के लिए, ट्रस्ट मी, क्योंकि हम उतना जो जितना नॉलेज चाहिए होता है उतनी ही चाहिए, फालतू की जानकारी हम नहीं प्रोवाइड करते जो जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ट्रस्ट मी, एक दिन 24 घंटे के अंदर आपको कोरल ड्रा भी आ जाएगा, फोटोशॉप भी, दो दिन का हमारा कोर्स है उसमें ये आप जो है वो कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोरल फोटोशॉप तो है ही है, हमने यहाँ कलर आईसीसी प्रोफाइलिंग और कलर मैनेजमेंट भी इसमें एक दिन का रखते हैं कि वो जो कलर आप प्रिंट करते हैं वो आपको वो डिजाइन करते हैं वो प्रिंटिंग में क्यों नहीं आते, उसका रीजन क्या है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले 14 दिन का कोर्स था, 14 days 2 weeks, उसको हमने लगभग एक हफ्ते का कर दिया, 10 दिन तक ये जाएगा मुझे पता है। कुछ लोग थोड़ा सा स्लो भी सीखते हैं, कुछ आराम से सीखते हैं, तो हमने 10 दिन तक जो है ये कोर्स रखा है। इस कोर्स की फीस हमने जस्ट मात्र 15,000 रुपए रखी है, जिसमें हम लोग पूरा 10 दिन तक उनको सिखाना है। और ये फीस भी जब कोई भी प्रोडक्ट आप हमसे लेते हैं, कुछ भी सर्विसेज लेते हैं, ये उसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देते हैं, यानी कि ओवरऑल हम ट्रेनिंग के कोई भी चार्ज नहीं करते। फ्री ट्रेनिंग लेने कोई आएगा तो वो फ्री ट्रेनिंग लेगा ही नहीं, पहले उसको पे करना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग लेगा, जब वो काम में आएगा तो वो अपना वो रिमबर्स करवा सकता है, जो भी आप मटेरियल लेंगे उस पे हम उसको रिमबर्स कर देंगे, दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा आपका मैं एक ये शेयर कर रहा हूं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने एक अभी फाइल शेयर की है। तो ये ट्रेनिंग में शेड्यूल में है क्या क्या, हम क्या सिखाते हैं, क्या चीज उसमें सिखाई जाएगी आपको, वो सारी जानकारी इसके अंदर है। और हम लोग लगभग एक महीने के बाद ऑनलाइन कोर्स भी इसका स्टार्ट कर देंगे, बट ऑनलाइन का उतना फायदा नहीं रहेगा, जानकारी आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। चलो जब तक कोरोना है तब तक तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा चलो जो आ सकते हैं वो करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट 70% कवर हो जाएगा उनका थ्योरी से, 30% तो हार्ड कोर वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वो जो जनरिक चीजें हैं वो। अब किसी को स्क्रीन में हाई डेंसिटी का स्ट्रापर चलाना है तो वो मैं कैसे सिखाऊं ऑनलाइन, ठीक है ना, तो वो चीज करना बड़ा मुश्किल है। अब प्लान करिए, एक महीने में हमारा हफ्ते 10 दिन का कोर्स रहता है, तो उसमें कोशिश करें कि अगर आपको कुछ सीखना है तो उसमें आइए। उसमें टॉपिक्स जो हम कवर करते हैं, आईसीसी प्रोफाइलिंग है, डीटीएफ कवर करते हैं, सब्लिमेशन, फ्लोरोसेंट सब्लिमेशन, हाई डेंसिटी स्टिकर कैसे बनाना है, आपका वाइनल कटिंग, गारमेंट डेकोरेशन, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग कैसे करते हैं, नेक लेबल्स, उसके टैग कैसे बनाते हैं, उसको पैकेजिंग करके उसका उसको ओवरऑल गारमेंट की शेप में कैसे लेके जाते हैं, और उसके बाद फैक्ट्री विजिट्स, जो रियल टाइम में फैक्ट्री काम कर रही है वहां पे जाके वो काम कैसे हो रहा है वो चीज हम लोग सिखाते हैं। इवन फ्रेम कैसे बनाना है, फ्रेम बनाने के बाद उसको कोट करना, उसके बाद उसको एक्सपोज करना, हाई डेंसिटी का जो स्टिकर है वो उसका फ्रेम भी वो स्टूडेंट बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रिंट करेंगे, वही उनका सैंपल वो साथ में लेके जाएंगे। तो ये हमारा अभी तक का जो फर्स्ट बैच था उसमें बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला। और इसके अलावा YouTube पे भी हमारा जो आपको मैं अभी लिंक दे रहा हूँ, आप ये चैनल जो है देखें, इसमें मैंने काफी कुछ इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप ये देख सकते हैं। मेरे पास नेटवर्क बहुत इश्यू आती है, वीडियो मिस, मैं आपका वीडियो मिस करता था क्या, नो सी मेरे पास अभी यहाँ पे 50 Mbps की स्पीड के साथ मैं आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ वेबिनार को, तो अगर आपसे ये मिस होता है या आपको लगता है कि कुछ छूट गया, तो लगभग 24 घंटे के अंदर ये सारा रिकॉर्डेड वर्जन YouTube पे मैं देता हूँ, क्योंकि कई बार लोग बाद में 2 घंटे बाद कहते हैं कि मेरा मिस हो गया, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन आ सकते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आपको फिर बाद में कम्युनिकेशन बाद में करना पड़ेगा फोन के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पे काफी चीजें हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। कैन पॉइंट शेयर वेबिनार वीडियो इफ यू पॉसिबल, सभी तरह के वेबिनार वीडियो जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है YouTube का वहां पे अवेलेबल है, अभी 24 घंटे के अंदर ये ऑनलाइन हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी कोई क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर किए जाएंगे, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर यूज करिएगा प्लीज, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस इंक्वायरी पे आपको ये जो ऊपर नंबर है 9815005935
इस पे आपको कोई प्रोडक्ट की इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पे कॉल करिए, कोई टेक्निकल आपको पूछना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, या फोन नहीं मतलब आई मीन व्हाट्सअप कर सकते हैं। संडे को फोन थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ, व्हाट्सएप करिए मैं रिप्लाई करूंगा आपको। रिप्लाई में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कुछ ज्यादा कंजेशन रहती है कई बार, तो सारी दिन फोन पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा मैं दूरी बना के रखता हूँ फोन से। फिर भी आप अगर 10 बजे से लेके 7 बजे तक मैं प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता हूँ किसी भी मैसेज के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। तो आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, DTF के बारे में, विनाइल के बारे में, उसके प्राइसिंग के बारे में, या आपको स्कूल में ट्रेनिंग के बारे में, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पैसे नहीं दे सकता है, 15,000 पे फीस है, वो सीखना चाहता है, तो ही इज ऑल्सो वेलकम, वो आ जाए, हम उससे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे, बशर्ते वो चीज इंफॉर्मेशन को वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करे, कुछ उसको उसको फायदा मिले, और कल को जब वो इतना अर्न कर लेगा तो किसी दूसरी स्टूडेंट को का वो फीस पे करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फीस के लिए यहाँ पे ये सिस्टम नहीं बनाया है। होता क्या है, जब हम किसी 10 बंदों को या 20 लोगों को सिखाते हैं कुछ, तो ऑब्वियसली वो हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चला जाता है वहां पे, तो हमारा जो कॉस्टिंग है वो वहां कवर हो जाती है। तो किसी से 15,000 पे चार्ज करके मान लीजिए 10-15 लोग 20 लोग पढ़ा भी दिए, तो कोई बहुत में कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है हमारे ऊपर, उतना तो हम एक्सपेंसिव ही खर्च कर देते हैं, बट एटलीस्ट एक लॉयल एक कनेक्शन बनता है हम दोनों के बीच में, कि हमें भी जानकारी जो है शेयर करने में मजा आता है, उनको अच्छे से प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, रिलायबल सोर्स मिलता है, अकेली बातें करने से प्रोडक्ट बेच के काम करना अच्छा नहीं लगता है हमें। तो यहाँ पे हर एक चीज है, आप लेने से पहले यहाँ टेस्ट करें, चेक करें, 2-4 दिन आपने चलाई, क्वालिटी देखी, उसको खींचा धोया, हर एक चीज वॉश करके चेक करी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट लिया, तो ये एक विश्वास ज्यादा बढ़ जाता है उससे। तो मुझे लगता है अभी मैंने आपका लगभग 1 घंटे के आसपास हमारी बातचीत हो गई। व्हाट इज द डिलीवरी टाइम फॉर द कंप्लीट सेटअप नीड्स टू बी डिलीवर इन सिलीगुड़ी? इंद्रजीत, सिलीगुड़ी में डिस्पैच करने के लिए मेरे पास अभी 2 मशीन ही है स्टॉक में, बाकी 20 का अभी बुक है, पता नहीं कब तक आएंगी, अभी मैं दे सकता हूँ। अगर आप आजकल में बुकिंग करा देते हैं तो मैं 1 मशीन दे पाऊंगा, आपको कोई इशू नहीं है। 7 से 8 दिन में आपके पास सिलीगुड़ी में पहुंचेगी, क्योंकि मेरी सिलीगुड़ी में ऑलरेडी 1 मशीन जा चुकी है, नॉर्थ ईस्ट में लगभग 25-26 मशीन अभी तक जा चुकी है DTF वाली, वो ज्यादा अग्रेसिवली छोटी मशीन परचेज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे टी शर्ट का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो आई थिंक आपको 7 से 8 दिन में वहां डिलीवर होगा, और उसके बाद जैसे ही डिलीवर होगा आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपका इंजीनियर लगभग 2 से 4 घंटे के बीच में आपकी सारा सेटअप करवा के जब तक रिजल्ट नहीं आता है आपके साथ एंगेज रहेगा। बाद में भी 2-1 दिन लगते हैं समझने में, चीजों को टेस्ट करने में, तो वो सपोर्ट हम आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। संडे को वो नहीं होगा अवेलेबल, क्योंकि संडे को थोड़ा सा हम लोग अपना रिसर्च में काम जो दिक्कतें आती हैं उसको हम लोग सेट करते हैं। अभी मैं अपने ऑफिस दुर्धारा ऑफिस से ही स्कूल में वाले सेक्शन से मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ ये वेबिनार। इसमें अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो या आपको कुछ और जानकारी समझनी आपको लगता है कि आना चाहिए तो आप प्लीज मुझे लिखिए, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको स्कूल का दिखा दिया, वैसे ही है। एंड ट्रेनिंग ऑनलाइन मैंने आपको बताया, अगले महीने से हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक कई बार सेशन रहता है, और लास्ट समय तो कई कई बार जो स्टूडेंट है वो 8 बजे तक भी बैठे रहे, गए नहीं, तो उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड करना, एडिट करना, वो काम बहुत लंबा है। हम लोग महीने के अंदर वो सेटअप सारा लगा देंगे, फिर ऑनलाइन ये कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा मैं वो कोर्सेस, और कोशिश करूंगा कि हर एक फॉर्मुलेशन आपको दी जाए, उसमें आपको फिर प्रैक्टिकल आप ही करना पड़ेगा। अगले इस साल तो शायद नहीं, बट हो सकता है कि दिवाली के आसपास हम लोग ये स्कूल का एक सेटअप दिल्ली के अंदर भी खोल दें, क्योंकि दिल्ली आना लोगों को सुविधाजनक है, इवन नेपाल से और कई जगह तो मतलब कई अफ्रीका से भी कई लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि दिल्ली में अगर हो तो हम लोग तुरंत आएंगे 2 दिन में, बाकी थ्योरी जो है वहां ऑनलाइन कर लिया, प्रैक्टिकली 2 दिन आए और वापस चले गए। तो इस तरह से कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी यहाँ का सेटअप थोड़ा इस्टेब्लिश करके देन हम आगे दिल्ली में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मजा आया, आज जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपसे शेयर करी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो L1800 या बड़ा वाला DTF ललित जी जिन्होंने चुको भी हमने सेल किया है, मैं एक
एक लिंक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। ये लिंक एक्चुअली क्या है, ये एक लगभग 4 से 5 हजार डिजाइन्स की लाइब्रेरी है। इसका एक्सेस मैं उन लोगों को दे रहा हूं जो लोग हमारा डीटीएफ यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ उसके अंदर डिजाइनिंग मिलेगी। और मैं हर वीक 10 दिन में उसमें कोई 500-600 डिजाइन्स ऐड कर देता हूँ। वो सारे ही डिजाइन जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लाइफ टाइम आपका उसको एक्सेस रहेगा। यस ललित जी, हमारे बहुत बहुत ही अच्छे एक एसोसिएट है, इनके पास बड़ी मशीन लगी है। कोई भी लोग हैदराबाद के आस पास आजूबाजू में है, वहां डेमो चाहते हैं, तो ये बहुत वेलकम करते हैं उनका। बहुत थैंक यू सो मच ललित जी। एंड अभी मैं एक सभी को शेयर करूंगा। आप प्लीज मेरा ये नंबर दोबारा से नोट कर लीजिए, अगर किसी के पास अभी ये मैं लिंक नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नहीं खुल पा रहा है, 4889। इस नंबर पे मुझे आप खाली नोट करना है, डाउनलोड लाइब्रेरी, ग्राफिक्स लाइब्रेरी डाउनलोड के लिए आप प्लीज करिए। और जो भी डीटीएफ जिन लोगों ने ले रखा है, वो डीटीएफ की डिजाइनिंग आपको उसमें मिल जाएगी। बहुत कम काम करना पड़ेगा। अगर कुछ दिक्कत आती है मुझे कॉल कीजिए, मैं उनको शेयर कर दूंगा वो लिंक, और उसके बाद वो डिजाइनिंग आप डाउनलोड करिए। वो डीटीएफ के रेडीमेड डिजाइन्स हैं, खाली उसको डाउनलोड करके बस प्रिंट करिए और अपना जो प्रॉफिट है उसको और इंक्रीज करिए। आज संडे में आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट सेशन। सो नाउ आई एम देवेंद्र शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, थैंक यू।